नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बेसन से चुटकियों में पाए दमकती त्वचा ऐसे करें इस्तेमाल के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। लोग दमकती त्वचा पाने के लिए बाजार के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कुछ दिनों बाद बेअसर हो जाते हैं, साथ ही त्वचा के लिए भी हानिकारक होते हैं। लेकिन आपकी किचन में ही एक ऐसी चीज मौजूद हो जिसके इस्तेमाल से आप गोरा रंग पा सकते हैं, हम बात कर रहे हैं बेसन की, जिसका इस्तेमाल शायद आपने अब तक सिर्फ खाने की चीजों में ही किया होगा। आइए जानते हैं कि गोरा रंग पाने के लिए इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंहासों से छुटकारा पाने के लिए आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच शहद में 2 चम्मच बेसन की मिलाएं। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 20 सेकंड 30 मिनट बाद जब ये सूख जाए तो इसे गुनगुने पानी से धो लें। टैनिंग होने पर बेसन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और 1 चुटकी हल्दी की मिलाएं। इसे अच्छे से अपना चेहरे पर लगा लें और सूखने पर धो लें। आपको जल्द ही फर्क दिखाई देगा। ऑयली स्किन से परेशान लोगों के लिए बेसन एक अच्छा उपाय है। 2 चम्मच बेसन में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और अपने चेहरे तथा गर्दन पर लगा लें। सूखने पर इसे ठंडे पानी से धो लें। चेहरे से अनचाहे बालों को हटाने के लिए बेसन का नुस्खा सबसे असरदार है। 2 चम्मच बेसन में 1 छोटा चम्मच हल्दी और दही या थोड़ा सा दूध मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें, या फिर इसे चेहरे पर लगाकर रखें और सूखने के बाद पानी की कुछ बूंदे लेकर इससे बालों की उल्टी दिशा में स्क्रब करें। इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें और चाहें तो बर्फ के टुकड़े भी मल सकते हैं। बालों पर इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले संतरे के छिलकों का पाउडर बना लें। बेसन और इस पाउडर की बराबर मात्रा लें और 1 छोटी चम्मच शहद के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे शैम्पू की तरह इस्तेमाल करें, इससे बाल चमकदार और सिल्की हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूल, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।